हेलो हेलो, आवाज आ रही है? गुड गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, इवनिंग गुड मैम। इवनिंग। तो कल हमने किया था किसी लाइन को वेक्टर फॉर्म में एंड कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखते हैं। पहले मैं ना आपको थ्योरी करवा रही हूँ एक एक एग्जांपल से, उसके बाद हम 3 4 दिन इकट्ठे क्वेश्चंस करेंगे जितने पॉसिबल हो सके। 3 दिन मतलब क्वेश्चंस, ठीक है? अब मैं एक एक एग्जांपल करवा रही हूँ साथ में थ्योरी के। अब हमने करना है कि दो लाइंस में एंगल कैसे निकालते हैं। अब 2D वाला एक बार याद कर लो। 2D में, 2D में क्या किया था? कोई दो लाइंस है आपके पास, लाइन L1 लाइन L2, और एक ये एंगल है, इनके बीच में थीटा। तो ये कैसे निकालते हैं? हम निकालते थे कि बस स्लोप चाहिए, इनकी बहुत है। इसकी स्लोप फॉर एग्जांपल M1 है फर्स्ट लाइन की, सेकेंड की स्लोप मान लीजिए M2 है। तो दोनों लाइंस के बीच में ये जो एंगल है थीटा, कैसे निकलेगा? टैन थीटा इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। यही किया था ना दो लाइंस के बीच में एंगल निकालने के लिए, है ना? यस मैम। अब ना 3D में क्या है, लाइंस की प्रॉपर जो वो है इक्वेशन, वो मैटर नहीं करती, सिर्फ मैटर करती है उसकी डायरेक्शन। मतलब कि 3D में क्या है, दो लाइंस L1 एंड L2, ये लाइंस की इक्वेशन क्या है प्रॉपर, इससे हमें नहीं मतलब, हमें सिर्फ इसकी चाहिए डायरेक्शन। डायरेक्शन फॉर एग्जाम्पल इसकी डायरेक्शन B1 वेक्टर है और लाइन L2 की डायरेक्शन B2 वेक्टर है। तो मतलब अगर लाइंस की इक्वेशंस प्रॉपर नहीं पता, बस इतना पता है कि उन लाइंस की डायरेक्शन का क्या है, तो डायरेक्शन इनफ है एंगल निकालने में, है ना? तो वही चीज मैं लिखने लगी हूँ। क्या चीज? एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन वेक्टर्स। एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन वेक्टर्स, इनके डायरेक्शन वेक्टर्स बहुत है। अब आप बता दो मेरे को कि दो वेक्टर्स हैं आपके पास, फॉर एग्जांपल इस लाइन की डायरेक्शन थी B1 वेक्टर और इस लाइन की डायरेक्शन थी B2 वेक्टर, वो हमें दे रखी हैं। तो एंगल कैसे निकालेंगे दो वेक्टर्स के बीच में, एंगल कैसे निकालते हैं? ए वेक्टर ए बी कॉस ऑफ थीटा। डॉट प्रोडक्ट यूज कर लो, चाहे क्रॉस कर लो, डॉट प्रोडक्ट यूज कर लो। चलो क्या होता है, दो वेक्टर्स की डॉट, B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर, क्या होता है? B1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साथ में कॉस ऑफ थीटा। थीटा क्या है? वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर, ठीक है? तो दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना है, मतलब दो डायरेक्शंस के बीच में एंगल निकालना है, वो हम डॉट प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। दो डायरेक्शन वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है तो कोस थीटा क्या आ जाएगा, B1 डॉट B2 डिवाइडेड बाय B1 का मैग्नीट्यूड B2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है? निकाल के देख लो एक बार कोई, फॉर एग्जाम्पल कोई लिखते हैं, आपको लाइंस दी हुई है वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में जैसे ही आपको लाइंस दी है, फॉर एग्जाम्पल आपको लाइंस ही ऐसे दे दी क्वेश्चन में, ऐसे और इस तरह से एंगल पूछ रहे हैं, तो पता है 2D का क्वेश्चन है, 2 डायमेंशन में ही है ना एक्स एंड वाई, 2D का क्वेश्चन है। 2D का क्वेश्चन है तो बस इसकी स्लोप क्या 3, इसकी स्लोप क्या 5, mx प्लस c फॉर्म में, तो ये इसकी स्लोप है, ये इसकी स्लोप है, तो टैन थीटा लगा लेना। लेकिन अब आपको क्वेश्चन को देख के पता लग जाएगा ना, उसकी शक्ल देख के कि 2D क्या क्या 3D क्या। अब आपको लाइंस दे दी, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है कि एंगल बिटवीन लाइंस, एंगल बिटवीन लाइंस, दो लाइन दी है,
फर्स्ट लाइन है आपकी थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस फोर के कैप प्लस लैम्डा टाइम आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप। दूसरी लाइन है माइनस थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप माइनस सिक्स के कैप प्लस लैम्डा टाइम माइनस आई कैप फोर जे कैप माइनस फाइव के कैप। तो अब पूछ एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस इज चार ऑप्शन है। ठीक है तो पता लग रहा है कि 3D का क्वेश्चन है ना। अब तो नहीं टैन थीटा इक्वल टू एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू लगाना है ना। ठीक है ना अब इनके बीच में एंगल निकालना है। मैंने क्या कहा था ये तो वेक्टर फॉर्म है लाइन की कल किया था ना दो वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म। ये वेक्टर फॉर्म दे रखी है। वेक्टर फॉर्म तो होती थी कि आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर। वेक्टर फॉर्म होती थी आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर। और ये होता था पॉइंट वेक्टर पॉइंट थ्रू विच जहां से लाइन पास कर रही है थ्रू विच लाइन इज पासिंग निकल किया। और ये बी वेक्टर होती थी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। हमें इन दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना है ना है ना। हमने इससे तो कुछ लेना देना नहीं जो किससे पास कर दिया हमें नहीं प्रॉब्लम उससे। सिर्फ इसको ध्यान दो इसको ध्यान दो। इसको रखो बी वन वैक्टर इसको रखो बी टू वैक्टर। तो एंगल बिटवीन एल वन एल टू विल बी इक्वल टू एंगल बिटवीन बी वन वैक्टर एंड बी टू वैक्टर। ठीक है तो वो कैसे निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट यूज करके क्योंकि आपको पता है बी वन वैक्टर डॉट बी टू वैक्टर होती है। बी वन वैक्टर का मैग्नीट्यूड बी टू वैक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। आपको निकालना थीटा तो मतलब थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स बी वन डॉट बी टू अपॉन बी वन का मैग्नीट्यूड बी टू का मैग्नीट्यूड। कितना आता है निकाल के देखना थीटा कितना आता है। जिसको जिसने नहीं वेक्टर पढ़ा ना वेक्टर जिसने नहीं पढ़ा वो ये फॉर्मूला याद कर लो कि दो वेक्टर्स हो ना आपके पास फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर उसकी डॉट करें ना डॉट प्रोडक्ट तो वो ऐसे खुलती है बी वन वैक्टर का मैग्नीट्यूड बी टू वैक्टर का मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन दोज टू वैक्टर। निकाल के देखना कितना आता है। आ रहा है निकालना नहीं। बी वन डॉट बी टू करेंगे क्या आएगी डॉट प्रोडक्ट मतलब इन दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट ना मतलब आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप डॉट माइनस आई कैप प्लस फोर जे कैप माइनस फाइव के कैप। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते थे एक्स वाले कंपोनेंट को एक्स वाले के साथ मल्टीप्लाई। इधर आई कैप के साथ क्या है वन इधर आई कैप के साथ क्या है माइनस वन। ठीक है आगे प्लस जे कैप के साथ टू है इधर जे कैप के साथ फोर है। आगे फिर प्लस के कैप के साथ थ्री है इधर के कैप के साथ माइनस फाइव है। तो कितना आ गया माइनस फाइव प्लस एट माइनस फिफ्टीन। ठीक है कितना आ गया माइनस एट। ये डॉट आ गई। अब बी वन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है स्क्वायर रूट लेना होता है आपको। एक्स का क्या कंपोनेंट आई कैप के साथ वन है वन का स्क्वायर फिर टू का स्क्वायर फिर थ्री का स्क्वायर कितना आ गया फोर्टीन का स्क्वायर रूट। तो बी वन वैक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया स्क्वायर रूट 14। ऐसे ही बी टू वैक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो। ठीक है और फिर लिख लिख देना कि थीटा आ गया कॉस इनवर्स डॉट है अपॉन स्क्वायर रूट 14 और ये बी टू वैक्टर का जो भी आएगा फोर्टी ये टू एंगल निकल गया 42 आ रहा है। फोर्टी
ओके ये एंगल निकल गया, ये ऑप्शन में किसी पड़ा होगा। ठीक है, मैं फॉर्मूलाज ना बता रही हूँ वेक्टर वाले साथ साथ, तो एक बार के लिए वो याद रख लेना, वहां भी तो याद ही रखने हैं, कोई कॉन्सेप्ट थोड़ा है इसका, उसमें याद ही करने होते हैं कि डॉट प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला है, तो थीटा चाहिए तो इसको नीचे भेज दो, बट कॉस थीटा आया, थीटा चाहिए कॉस इनवर्स कर दो, और ये किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक्स कॉम्पोनेंट स्क्वायर वाई कॉम्पोनेंट स्क्वायर प्लस जेड कॉम्पोनेंट स्क्वायर फिर पूरे का स्क्वायर रूट। ठीक है, क्लियर है ये? यस मैम। आगे देखो, अब सारा कुछ ना लाइन का, लाइंस किस तरह की है, लाइंस का नेचर क्या है, दो लाइंस कैसी हैं, पैरलर है, इंटरसेक्टिंग है, परपेंडिकुलर है, किस तरह का बिहेवियर है दो लाइंस का आपस में, वो सिर्फ उनकी डायरेक्शंस पर डिपेंड करता है बस, किस से किस पॉइंट से पास कर रही है वो नहीं डिपेंड करता। जैसे दो लाइंस है फॉर एग्जाम्पल, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो इसकी डायरेक्शन क्या है, ये लाइन मैंने ऐसे बनाई या फिर ऐसे बनाई, इसकी डायरेक्शन क्या ये वाली होगी या ये वाली होगी, है ना, फॉर एग्जाम्पल ये वाली ले ली मैंने, ये वाली ले ली डायरेक्शन, और इस ये लाइन L1 है और L2 लाइन की डायरेक्शन ऊपर है, तो दो लाइन परपेंडिकुलर है तो मतलब उसके डायरेक्शन वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, दो लाइन पैरेलल है तो मतलब उनके डायरेक्शन वेक्टर्स पैरेलल है, सब कुछ डायरेक्शन वेक्टर्स पे काम जाता है, तो मतलब तभी तो बोला था 3D पढ़नी है तो वेक्टर अलजेब्रा वाला ही है, इसीलिए वेक्टर अलजेब्रा हमने पहले पढ़ा 3D बाद में। ठीक है, तो टू लाइंस, टू लाइंस आर पैरलर या फिर परपेंडिकुलर कब, इफ एंड ओनली इफ देयर, इफ एंड ओनली इफ देयर डायरेक्शन वेक्टर्स आर पैरलर, दो लाइंस पैरलर तब होएंगी जब डायरेक्शन वेक्टर्स पैरलर होंगे, परपेंडिकुलर तब होएंगी जब डायरेक्शन वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, क्लियर है ये? बताओ यस मैम। एमसीक्यू करके दिखाओ फिर एक मेरे को, क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ लैम्डा, वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट लाइंस गिवन बाय, दो लाइंस दी हैं, फर्स्ट लाइन है एक्स बाय वन, 2y+4, 2y+1 बाय 4 लैम्डा इक्वल टू 1 माइनस z/-3, दूसरी लाइन है x-5/5 लैम्डा+2, 2 माइनस y/5, 1 माइनस z/-1, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट दीज टू लाइन आर परपेंडिकुलर, है ना, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, ऑप्शंस हैं, एक आएगी, दो आएगी, तीन आएगी या चार आएगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच दीज टू लाइन आर परपेंडिकुलर। पहले एक बार क्या करो, कल हमने कार्टेशियन फॉर्म की थी लाइन की, ये कार्टेशियन फॉर्म है ना, यस मैम। इसको याद करना कि ऊपर उसकी कॉपी खोल के देख लो वो फॉर्म क्या है, क्योंकि ना आपको वही फॉर्म चाहिए नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा, एक बार फॉर्म देख लो वो फॉर्म क्या थी, एक्स माइनस पॉइंट लिखते थे, वाई माइनस सेकेंड वाला, जेड माइनस थर्ड वाला कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय जो नीचे डिनोमिनेटर में है वो डायरेक्शंस है, अब दो लाइंस परपेंडिकुलर तब होएंगी जब उनकी डायरेक्शंस परपेंडिकुलर होएंगी, जब उनके डायरेक्शन वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे मतलब जब उनके डायरेक्शन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 रख दो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। बताओ मेरे को आंसर क्या आता है सॉल्व करके, किसी को नहीं समझ आया तो बता दो, रिपीट कर दो।
आ गया समझ सबको? क्या आएगी वैल्यू? हो जाना चाहिए था अब तक तो, लंथी तो है ही नहीं। दो लाइंस परपेंडिकुलर मतलब दो डायरेक्शन वेक्टर्स परपेंडिकुलर, इसका डायरेक्शन वेक्टर नीचे वाला और नीचे वाला डायरेक्शन वेक्टर, दोनों के डॉट को जीरो रखना है, लैम्डा आ जाएगा। किसी का नहीं आया क्या लैम्डा? मैम आंसर तो कुछ और आ रहा है, मैच नहीं कर रहा। -1.5 लग रहा है। -5 हो, 5। अच्छा चलो देखते हैं फिर, देखना अब आपकी गलती कहाँ। पता क्या गलती है? मैंने क्या कहा था कि कार्टेशियन वाली फॉर्म देख लो, वो फॉर्म ये होती है कि एक्स माइनस समथिंग बाय समथिंग ही लिखना है, इक्वल टू वाई माइनस समथिंग बाय समथिंग ही लिखना है, जेड माइनस समथिंग बाय समथिंग ही लिखना है। ऐसा नहीं है यहाँ पे, उसको सेट करो। इधर चलो ठीक है, एक्स माइनस जीरो बाय समथिंग है चलेगा, इधर वाई के साथ टू क्या कर रहा है, हमें नहीं चाहिए, टू से डिवाइड करो है ना। और इधर आपको तो जेड माइनस वन चाहिए, वन माइनस जेड नहीं चलेगा, तो इसको जेड माइनस वन बाय थ्री कर दो, इधर काम ठीक है। इधर आपको वाई माइनस टू चाहिए तो माइनस नीचे ले आओ, इधर जेड माइनस वन बाय वन। अब डायरेक्शन वेक्टर जो नीचे नहीं आए उसकी डॉट जीरो लो, ये गलती होगी पक्का, तो नहीं मैच करेगा। फर्स्ट लाइन को हम क्या लिख सकते हैं सही फॉर्म में, ये तो पहला तो ठीक ही था, दूसरे वाला वाई प्लस हाफ बाय 4 लैम्डा, फिर जेड माइनस वन बाय थ्री, और लाइन एल टू एक्स माइनस 5/5 लैम्डा प्लस टू वाई माइनस 2/-5 जेड माइनस 1/1। हाँ जी मैं देखती हूँ, अभी चेक करती हूँ। अब डॉट जीरो रखनी है, अब जब डॉट करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा, 5 लैम्डा प्लस 2 ये इसके साथ, -20 लैम्डा फिर +3 इक्वल टू 0, तो -15 लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 0, लैम्डा की वैल्यू 3 आ जाएगी। 3 नहीं 1/3 आई ना, 15 लैम्डा इक्वल टू 5 आई नहीं है, तो ऑप्शन में ही नहीं है, क्वेश्चन में सही तो यही ऑप्शन है, क्वेश्चन में ऑप्शन तो यही है, सबकी 1/3 आई थी, तो फिर तो आपने सही किया था, है। यस मैम, इसके साथ 1/3 आता है। एक। हाँ आप 1/3 रहा है, फिर ऑप्शंस गलत होंगे इसकी, और क्या हो सकता है। मैम ये जो अरे एक गलती होगी, -1/2 होगा, एक, मैम हाँ यही गलती है, तो यही गलती है, 4/4 λ/2 भी आएगा। सही बात है, यही गलती है, क्योंकि हम 2 को ऐसे थोड़ा डिवाइड कर सकते हैं, 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 को डिवाइड किया, अब तो बात बनती भी है ना।
टू को, ये चीज थी ना आपके पास, 2y+1/4 लैम्डा, 2 को कॉमन ले लो, y+1/2। अब इसको इससे काटो तो ये 2 लैम्डा बचा, तो इधर आपके पास माइनस, ये क्या आना था सारा, ये आना था आपका 5 लैम्डा+2 -10 लैम्डा +3=0। अब देखो क्या आता है, -5 लैम्डा+5=0, लैम्डा की वैल्यू 1। ए ऑप्शन आंसर। ये चीज यहाँ एक 2 मिस कर दिया था ना हमने, इधर से गलती हो गई। 2 को कॉमन ले रहे हैं हम, वो कॉमन ले लिखना ही भूल गए, उसको काटना भी था नीचे के साथ। ठीक है, मैम, मैम कैसे, माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा? किस चीज का? जैसे ऊपर लेना ना, एक्स माइनस समथिंग, वाई माइनस समथिंग, तो इसमें तो वाई हाँ प्लस जी, हाफ हो जा रहा है, तो इस प्लस का कोई फर्क नहीं है। पॉइंट लाइन पॉइंट के कौन से पॉइंट से पास कर रही है उसका नहीं फर्क पड़ना, उसका नहीं पड़ेगा, उसका क्या है, वो तो कोई चक्कर नहीं। हम जैसे इसको वाई मतलब प्लस हाफ को लिख दो, वाई माइनस माइनस हाफ की वो 0 -1/2 1 पॉइंट से पास कर रही है, हमें लेना देना नहीं है ना पर इससे कोई, हमें सिर्फ नीचे वाले डायरेक्शन चाहिए। तो जो आप ऊपर कॉमन ले रहे हो ना, बाहर ले निकाल रहे हो, उसको डिनोमिनेटर के साथ काट के ना नया बना लो नीचे, क्योंकि तो हमें सिर्फ डायरेक्शन वेक्टर्स ही चाहिए। जैसे इधर 2 कॉमन लिया था ना हमने, तो कौन से पॉइंट से पास कर रहा है वो नहीं हमें चाहिए, हमें तो डायरेक्शन वेक्टर चाहिए। तो 2 कॉमन लिया था, उसको नीचे वाले के साथ काट के डिनोमिनेटर में नया क्या आएगा वो बना लो, क्योंकि हमें हमें इनसे लेना देना है, नहीं तो आंसर वेरी करेगा। फिर जैसे अभी 2 भूल गए थे काटना, उससे तो 1/3 तो ऑप्शन में था नहीं ना। फिर पूछो और कुछ डाउट है तो। मैम आपने बोला ना डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल करना है, तो मैम इस केस में B1 B2 B3 आ रहा है, तो मैम कैसे किया आपने डॉट प्रोडक्ट? अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था ना कि अगर आपके पास एक वेक्टर है, जैसे बी वेक्टर है, B1 I कैप B2 J कैप B3 K मैम कैप, इस क्वेश्चन में कैसे किया? वैसे पता है कैसे करते हैं? यस मैम, नीचे क्या था, 5 लैम्डा+2, इधर क्या था बताना एक बार, 4 लैम्डा को क्या है, इधर 5 है -4 और इधर -1 है। तो इसको जब हमने ढंग से लिख लिया था, x/1 y+1/2 लैम्डा z-1/3, तो इस लाइन की डायरेक्शन वेक्टर क्या होगी, नीचे वाली ना, i कैप +2 लैम्डा j कैप +3 k कैप। दूसरी लाइन जो है आपकी वो है ये y-2/-5 z-1/1, तो इसकी डायरेक्शन वेक्टर क्या है, नीचे वाला 5 लैम्डा+2 के साथ i कैप -5 j कैप+k कैप। अब डायरेक्शन वेक्टर परपेंडिकुलर है, b1 वेक्टर यस मैम, परपेंडिकुलर है अब b2 वेक्टर के, तो .0, यस मैम, डॉट जीरो रखेंगे तो लैम्डा आ जाएगा। कार्टेशियन फॉर्म की थी ना, उसमें यही किया था कि नीचे वाला डायरेक्शन वेक्टर होता है, तो उसको लिख लिया मैं, डायरेक्ट कर रही थी इसको, इससे मल्टीप्लाई ऐड करके, ठीक है, डॉट ही कर रही थी पर मैं। क्लियर है? यस मैम। और मैम अगर ये लाइंस परपेंडिकुलर हो तो क्या करेंगे फिर? परपेंडिकुलर तो थी ये दोनों लाइंस, ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर पैरेलल थी। हो, समझे? अगर पैरेलल पैरेलल तो मतलब इसके डायरेक्शन वेक्टर सेम है, तो फिर आप इन डायरेक्शन वेक्टर्स की रेशियो को सेम करते। जैसे इधर क्या था, क्या था इधर, 5 लैम्डा+2, तो आप क्या करोगे, 5 लैम्डा एक्स 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 कॉम्पोनेंट सेम रख दोगे। मैं बताती हूँ, देखो थ्योरी लिख देती हूँ आपको ऐसे कि 2 वेक्टर्स, 2 लाइंस, x-α1 फर्स्ट लाइन है, y-β1 L2, z-γ1 L3, L2 L3 नहीं लिखती, MN लिख देती, M1 और इधर N1, और दूसरी लाइन है x-α2 L2, y-β2 M2, z-γ2 L3,
दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, ये तभी होंगी इफ एंड ओनली इफ इनके जो डायरेक्शन वेक्टर्स हैं ये वाले, एक डायरेक्शन वेक्टर है एल वन आई कैप प्लस एम वन जे कैप प्लस एन वन के कैप, एंड इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर ये तीनों कंपोनेंट्स, एल टू आई कैप प्लस एम टू जे कैप प्लस एन टू के कैप आर पैरेलल। अब मेरे को बता दो वेक्टर अलजेब्रा से इन दो वेक्टर्स को पैरेलल कब बोलते हैं? L1 by L2 इक्वल टू M1 by M2 इक्वल टू N1 by N2। हाँ जी, कब बोलते हैं? जब इस एक्स कंपोनेंट्स की रेशियोस, ये जो रेशियोस हैं सेम हो। तो अगर वही क्वेश्चन आया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच दोज टू लाइंस आर पैरेलल, मतलब दोनों के वेक्टर्स पैरेलल, तो आप ऐसे रेशियोज को सेट करोगे इक्वल, वहां से लैम्डा निकालोगे। कोई भी दो रेशियोज को पकड़ लेना, सॉल्व कर लेना, ठीक है? अगर उससे ना आए तो देख लेना कौन सी वाली रेशियोज चूज करें ताकि सॉल्व हो जाए। ट्राई करके देखें यही क्वेश्चन, इसको कर दो इरेज। यस मैम। ठीक है, यही क्वेश्चन ट्राई करके देख लेते हैं। ये वेक्टर अलजेब्रा में ना मैंने डिटेल में समझाया था कि दो वेक्टर्स पैरेलल है तो ऐसे रेशियोज इक्वल क्यों है, तो आप वो वीडियो में देख लेना, अब मैं सारे डिटेल में नहीं बोल रही। तो वही क्वेश्चन दोबारा करके देख लेते हैं पैरेलल लाइंस के लिए। एक्स माइनस 5/5 लैम्डा प्लस 2, वाई माइनस 2/-5, जेड -1/1, x/1, y+0.5/2 लैम्डा, जेड -1/3। तो दो लाइंस पैरेलल, मतलब अब निकालनी है लैम्डा की वैल्यू इफ l1 एंड l2 इज पैरेलल। तो मैंने क्या किया, जब ये डायरेक्शन वेक्टर्स पैरेलल है, सिर्फ इनसे लेना देना है, ये जब पैरेलल है, ये पैरेलल कब होंगे? जब इनके ये रेशियो जो है इनकी सेम होगी आपस में, ठीक है? अब देखो हो क्या रहा है, आपके पास तीन तीन रेशियोज हैं, तीन रेशियोज हैं। अब देखो इन दोनों को यूज करोगे ना तो क्वाड्रेटिक इन लैम्डा, लैम्डा की दो वैल्यूज आ जाएंगी क्रॉस मल्टीप्लाई से। जब आपके पास ये तीनों रेशियोज इक्वल है, इसमें कॉन्स्टेंट है, इसमें कुछ भी वेरी करने वाला नहीं है, एक बार आप इसको यूज करो, इन दोनों को यूज करके लैम्डा निकाल लो। -15 इक्वल टू 2 लैम्डा आया, लैम्डा की वैल्यू -15/2 आ गई। आगे अब क्या करो, अब वो फर्स्ट एंड थर्ड को यूज करो। अगर लैम्डा की वैल्यू इधर से भी -15/2 आ गई, तो मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं फॉर लैम्डा इक्वल टू -15/2। अगर इधर से लैम्डा की वैल्यू कोई और आती है, -15/2 नहीं आती, इसका मतलब पता क्या हुआ, देयर डजंट एग्जिस्ट एनी एनी लैम्डा फॉर विच दीज टू लाइंस आर पैरेलल। तो उस क्वेश्चन में पक्का एक ऑप्शन ऐसे, जैसे डी ऑप्शन पक्का ऐसे पड़ी होगी, जैसे ए ऑप्शन होगी 1, λ1 होना चाहिए, बी λ2 होना चाहिए, सी λ3 होना चाहिए, डी देयर डजंट एग्जिस्ट एनी सच λ, तो वो आएगी। तो अब हमें देखना है इन दोनों को यूज करके λ की वैल्यू -15/2 आ गई, पर λ वेरिएबल तो एक है, वैल्यू भी एक होनी चाहिए। अगर इधर से λ कुछ और आ रहा है तो पक्का गड़बड़ है ना? तो ऐसा कोई λ फिर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ताकि लाइन पैरेलल। अब इन दोनों को इक्वल रखो, 5λ+2=1/3, इसका मतलब 15λ+6=1, 15λ=-5, लैम्डा की वैल्यू -1/3। अलग अलग आई है ना, अलग अलग आई है ना, दिस इज नॉट इक्वल टू -15/2। तो इसका मतलब देयर डजेंट एग्जिस्ट एनी सच लैम्डा फॉर विच L1 इज पैरेलल टू L2। समझ आई? यस मैम। किसका डाउट था ये वाला? मंजू मैम आपका था शायद, है यस ना? मैम। यस चल मैम। गया, बताइए। यस मैम। देखो अगर लैम्डा की वैल्यू दोनों से एग्री कर गई तो वो ऑप्शन में होएगा, मार कर देना। अगर वेरी वेरी कर रहा है, इधर से लैम्डा कुछ और आ रहा है, ये कुछ और बोल रहा है, तो ऐसे कोई लैम्डा की वैल्यू है ही नहीं ताकि ये फ्रैक्शन तीनों आपस में कोइंसाइड करें, तो मतलब ये लाइंस कभी पैरेलल हो ही नहीं सकती। L1 और L2
कोई मर्जी लैम्डा चूज कर लो, ये तीनों फ्रैक्शंस इक्वल नहीं होनी, तो तीनों तीनों सॉरी दोनों लाइंस पैरेलल नहीं होनी। क्लियर है? बाकी यस मैम, सबको भी क्लियर है ये? ठीक है जी। अब याद करो, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते थे, और मेरे को फॉर्मूला बता दो। आपका वो भी रिवाइज हो रहा है साथ में। अगर वो नहीं याद तो ये बता दूंगी, ये लाइन है ax plus by plus c equal to 0, और ये पॉइंट है x1 कॉमा y1। मेरे को इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है लाइन से। क्या फॉर्मूला था, कैसे देखते थे ये डिस्टेंस कितना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, कैसे देखते थे? बताओ बताओ। भूल गए, ये तो मत भूला करो ऐसी चीजें। इस पॉइंट को लाइन में पुट करते थे, ये तो हमने बड़ी बार यूज कर लिया। अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर, वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, मॉडुलस नहीं आया याद हो? पॉइंट का डिस्टेंस लाइन से देखना है। अगर इस लाइन से देखना है तो जहां जहां एक्स है X1 रख दो, जहां जहां वाई है Y1 रख दो। ये कांस्टेंट है, इसको पड़ा रहने दो। तो ये चल गया, पता नहीं न्यूमरेटर कैसे लिखा। डिवाइडेड बाय एक्स के साथ क्या कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करो, वाई के साथ क्या कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करो, और सारे का स्क्वायर रूट ले लो। ये क्या आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ X1 कॉमा Y1 फ्रॉम AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0। तो आप रिवाइज नहीं करते क्या साथ साथ पिछला? ऐसे मत करो, काफी कुछ हो गया, रिवाइज कर लिया दोनों। ठीक है, बट ये जो मैंने आपको फॉर्मूला करवाया था ना, ये फॉर्मूला बाद में करवाया था मैंने आपको। पहले ना एक तरीका बताया था कि पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर आपको निकल जाए कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर है क्या, जैसे क्यू है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, अगर ये पता चल जाए तो डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल लो। तो वो लंबा तरीका था, फिर हम इस फॉर्मूला पे आ गए कि फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, ये था। अब देखो, अब हमने 3D में क्या करना है, 3D में क्या करना है कि क्या सीखना है अभी। फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक पॉइंट का लाइन पर क्या बन रहा है। फ्रॉम पॉइंट टू लाइन, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई पॉइंट है इधर, जैसे 1 2 3, और इधर एक लाइन की इक्वेशन दी है, कार्टेशियन फॉर्म में लिख रही हूँ। जैसे दे दिया आपको 0 इधर 1 y माइनस, ऐसे लिख रही हूँ अपनी मर्जी से मैं। ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन दे दी, कहते हैं कि इस जो आपने लिया है पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये पॉइंट है P। आपको निकालना है Q, आपको निकालना है Q, मतलब आपको निकालना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। पता कैसे निकालोगे, देखो आपको ना इस लाइन का चलता फिरता पॉइंट पता है। आप इस लाइन का कोई भी आर्बिट्री पॉइंट लिख सकते हो, कल करवाया था ना। इस पॉइंट का कोई भी चलता फिरता पॉइंट, ऐसे कोई भी रैंडम आर्बिट्रेरी पॉइंट क्या है, ऐसे कर किया था ना हमने कि इस लाइन को एक पैरामीटर लैम्डा के इक्वल रख लो,
इनको सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू लैम्डा आई, इनको सॉल्व करो वाई की वैल्यू 2 लैम्डा प्लस 1 आई, इनको सॉल्व करो जेड की वैल्यू -लैम्डा -1 आई। तो ये एक चलता फिरता पॉइंट है इस लाइन के ऊपर, पर हमें वो पॉइंट जो है ना क्यों चाहिए, चलता फिरता जो पॉइंट है ना इसको यहाँ रोकने है ना, क्यों चाहिए? तो मतलब हमें लैम्डा की ऐसी वैल्यू चाहिए जिसके लिए वो पॉइंट क्यू हो, ताकि वो रुक जाए, ये जो घूम रहा है ना लैम्डा की वजह से ये रुक जाए, वो यहाँ पे रुके। पर यहाँ पे रुके उसका मतलब ये होगा ना कि पी क्यू परपेंडिकुलर है इस लाइन के, लैम्डा फाइंड करना है हमें ताकि क्यू पता चल जाए। लैम्डा क्या सोचकर आप ऐसा क्या सोचोगे ताकि आपको इस बात की गारंटी भी मिल जाए भी हाँ भाई क्यू फुट ऊपर परपेंडिकुलर ही है, तो ऐसी क्या चीज आपको अश्योर करनी यूज करनी चाहिए ताकि लैम्डा की वैल्यू उसको नजर में रखते हुए करें, आपको क्या चीज क्यू आपको इस तरह से फाइंड करना है ताकि जो पी क्यू है ना पी क्यू वो परपेंडिकुलर हो इस लाइन एल के। ठीक है, इसका मतलब डायरेक्शन वेक्टर है ना जो पी क्यू का, डायरेक्शन वेक्टर ऑफ पी क्यू उसके डॉट लाइन एल के डायरेक्शन वेक्टर से, लाइन एल का डायरेक्शन वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, इन दोनों के डॉट 0। तो लैम्डा की वैल्यू जो निकालनी है ना आपको इस चीज को नजर में रखते हुए करनी है, क्या आप पी क्यू वैक्टर का डायरेक्शन वैक्टर निकाल सकते हो? आपको क्यों पता है अब कि क्यों, मतलब क्यों अच्छे से नहीं पता बट आपको चलता फिरता पॉइंट तो पता है, आप चाहते हो कि ये आपका फुट ऊपर परपेंडिकुलर आए। ठीक है, तो पी क्यू के डायरेक्शन वेक्टर क्या होएगा, λ-1 i कैप है ना, λ-1 i कैप, 2λ+1 -2, 2λ-1 j कैप, -λ-1 -3, -λ-4 k कैप, इधर रख दो डायरेक्शन वेक्टर को और उसके डॉट कर दो इसके डायरेक्शन वेक्टर के साथ 0, मतलब इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और इसको -1 से मल्टीप्लाई करो और उसको 0 के इक्वल सेट करो, तो इधर से आपके पास आ जाएगा लैम्डा। जैसे ही लैम्डा आ गया उस चीज ने आपको गारंटी कर दिया कि हाँ जो सोचकर हमने लैम्डा निकाला है ना वो पक्का आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर देने वाला है, जो लैम्डा आ गया इसको रखो यहाँ पे, आ गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। समझ आई क्या? यस मैम, बाकी भी बताओ नहीं तो रिपीट करूँ फिर, एक बार समझना आपको वो लगेगा, बाद में ये जो मतलब बहुत जल्दी होने वाले क्वेश्चंस हैं क्योंकि आपके माइंड में होएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है फटाफट रिपीट कर आर्बिट्री। ठीक है, मैं स्टेप्स लिख दूं आपको? यस मैम। ओके, ये हेडिंग लिख लेना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तो क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, गिवन लाइन एल के ऊपर, गिवन लाइन एल के ऊपर चलता फिरता पॉइंट लिख लो पहले। मतलब क्या लिखो, राइट आर्बिट्ररी पॉइंट ऑन लाइन एल, वो आपको लिखना आता है, प्रीवियस लेक्चर कल किया था, लिख लिया। उसके बाद देखो उस वो पॉइंट जो है ना आपको, जो आपने आर्बिट्ररी पॉइंट लिखा है, आप चाहते हो कि वो आर्बिट्ररी पॉइंट क्यू हो है ना, यू वॉन्ट दैट आर्बिट्ररी पॉइंट फाइंड इन स्टेप 1 फाउंड इन स्टेप 1 शुड बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्योंकि आपको निकालना है इसको तो आप उस पे ध्यान दोगे ना जो आपको चाहिए। बट ये पॉसिबल कब है, बट दिस इज पॉसिबल फुट ऑफ परपेंडिकुलर कब होएगा क्यों, ये जो आपने पॉइंट लिखा है ना चलता फिरता पॉइंट इसको क्यों नाम दे देना, मतलब आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्यों चाहिए। ठीक है, तो वो कब होएगा, ऊपर से आपने पॉइंट पी गिवन था
और ये आपने आर्बिट्रेरी पॉइंट लिख लिया था इधर वो लैम्डा के टर्म्स में, है ना, लैम्डा के टर्म्स में। तो क्यू फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो तभी पॉसिबल है जब पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो उसका फुट जो है जहां पर रुका वो मतलब पी क्यू और ये लाइन परपेंडिकुलर। सो दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली पी क्यू वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल। अब हमें पता है कि दो लाइंस परपेंडिकुलर मतलब पी क्यू लाइन इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल, दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होती हैं, विच इज फर्दर पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ देयर डायरेक्शन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, देयर डायरेक्शन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। अब डायरेक्शन वेक्टर्स कब परपेंडिकुलर होंगे, जब उनके डायरेक्शन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, दैट इज सेट पी क्यू वेक्टर डॉट लाइन एल का जो डायरेक्शन वेक्टर आएगा ना, जैसे ये दिया होगा कुछ भी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, वो इधर मैं लिख देती हूँ सेट पी क्यू वेक्टर डायरेक्शन वेक्टर ऑफ पी क्यू वेक्टर डॉट, इसको एल एम एन बोल दो, एल आई कैप प्लस mj कैप प्लस nk कैप, इसके डॉट को जीरो रख दोगे। इसको ध्यान में रखते हुए आपको लैम्डा निकालना है, वो लैम्डा इसमें वापस पुट कर देना, है ना। सो कीपिंग स्टार इन माइंड वी हैव टू फाइंड लैम्डा बिकॉज ओनली दिस कैन गारंटी अस दैट द पॉइंट वी आर गोइंग टू फाइंड इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। समझ आई, बताओ। यस मैम, यस मैम। ठीक है, तो इधर लिख रहे ना, यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ के वैल्यू ऑफ लैम्डा कीपिंग इन माइंड पॉइंट स्टार बिकॉज पॉइंट स्टार गारंटीज अस दैट क्यू इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। जब जब आपके पास आ गया लैम्डा आ गया, सब्स्टिट्यूट इट बैक इन द पॉइंट जो आपने आर्बिट्रेरी पॉइंट लिखा था, ठीक है। फिर मैं फिर सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ लैम्डा बैक इन आर्बिट्रेरी पॉइंट ताकि वो आर्बिट्रेरी पॉइंट अब फिक्स हो जाए, यहाँ के ऊपर रुक जाए। क्लियर है? क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको पता चल जाएगा। एक मिनट इंक डालना। करो भी क्वेश्चन ट्राई इस पे। चलो क्वेश्चन करो। फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर एमसीक्यू फॉर्म में लिख देती हूँ। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट 0, 2, 3 ऑन लाइन एक्स प्लस 3/5 वाई माइनस 1/2 जेड प्लस 4/3 इज।
करना है इसको सॉल्व, स्टेप्स देख लेना, वैसे वैसे करना है। सबसे पहले इस लाइन का आर्बिट्रेरी पॉइंट लिख लो, वो क्यू फुट पर परपेंडिकुलर तब होएगा जब पी क्यू का डायरेक्शन वेक्टर निकाल लेना और इसका डायरेक्शन वेक्टर 5i + 2j + 3k दोनों का डॉट जीरो, लैम्डा निकाल के उस आर्बिट्रेरी पॉइंट में पुट कर दो। मैम ऑप्शन सी 2 3 -1। बिल्कुल सही है, बाकी भी देख लो। आ रही है सी? आ रही है सी? हो जाएगा या करवाऊं? जो आर्बिट्रेरी पॉइंट लिखोगे 5λ-3, 2λ+1, 3λ-4, इसको क्यू बोला और पी है आपका 0 2 3, तो डायरेक्शन वेक्टर 5λ-3, सीधा ही मैं डॉट कर रही हूँ इसको 5 के साथ, प्लस 2λ-1, मैंने इस तरह से किया ना, हाँ -1, फिर 2 और फिर आपका 3 × 3λ-7, इसको 0 रखना था। लैम्डा कितना आया? अन्ना रहे 1 आ रहा है। लैम्डा हाँ अगर 1 आ रहा है तो ये पॉइंट बन गया आपका 2 3 - 1 सी। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन। आपके पास ना दो लाइंस हैं, कंसिडर टू लाइंस x+1/3। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस L1 एंड L2 इज, ऑप्शन है पर बड़ी बड़ी मैं लिख नहीं रही, आप डायरेक्टली फाइन कर लो। दो यूनिट वेक्टर निकालना है आपको, वेक्टर निकालना है, यूनिट तो बन नहीं जाएगा। यूनिट वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो अगर अगर कोई वेक्टर ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है तो उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हो, तो यूनिट तो बन नहीं जाएगा। आप पहले वेक्टर निकाल लो जो इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है। देखो बताओ कैसे करना है इसको। ऐसा करो, वेक्टर में याद करो कि कोई ऐसा वेक्टर था जो गिवन टू वेक्टर्स के परपेंडिकुलर था। दो वेक्टर्स हैं आपके पास, ए वेक्टर बी वेक्टर। तीसरा ऐसा वेक्टर बताओ
जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, इनसे ही बना है दोनों से। बता दो, ये चीज मैंने कल भी बोली थी। B1 cross B2। क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग ही तो यही था कि अब जब हम लिखते हैं कि दो वेक्टर्स की क्रॉस की, उसका मतलब यही है, क्रॉस करना दो वेक्टर्स की मतलब ऐसा नया वेक्टर प्रोड्यूस कर देना। दो वेक्टर्स हैं, इनकी क्रॉस करना इसका मतलब है कि ऐसा नया वेक्टर प्रोड्यूस कर देना, जो नया वेक्टर जो आया, ये न्यू वेक्टर एन वेक्टर, जो न्यू वेक्टर आया ना, इज परपेंडिकुलर टू व्हाट बी वेक्टर, B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर। तो जब भी ऐसा कुछ आता था ना, इसके क्वेश्चंस भी तो कितने किए थे, जब भी ऐसे कुछ आता था ना, एक वेक्टर है जो दोनों के परपेंडिकुलर है, तो कौन सा वेक्टर है, दोनों की क्रॉस कर दो वो वेक्टर है। अब ये कहते हैं कि यूनिट वेक्टर बताओ, यूनिट तो हम बना लेंगे, वेक्टर बताओ जो दोनों के परपेंडिकुलर है। लाइंस जो अगर दी हो तो उस पूरी लाइन से कोई लेना देना तो होता नहीं, उनकी डायरेक्शन से लेना देना होता है। तो ऐसा वेक्टर निकालो जो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है। तो मतलब क्या करोगे बताओ, ये B1 वेक्टर है, B1 वेक्टर है 3i कैप + j कैप + 2k कैप, इसकी डायरेक्शन वेक्टर। B2 वेक्टर है i कैप + 2j कैप + 3k कैप। आपको पूछा कि ऐसा वेक्टर बताओ जो दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है, मतलब ऐसा वेक्टर बता दो जो दोनों लाइंस की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। तो मतलब इन दोनों डायरेक्शन का क्रॉस कर दो ना, और यूनिट बनाना है, पहले दोनों को क्रॉस कर दो। कर दोगे यूनिट बनाना है तो उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। नहीं बताओ, नहीं समझ आई? बताओ, कहते यस मैम। यूनिट वेक्टर बताओ जो दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है। यूनिट को भूल जाओ एक बार, वो बना लेंगे। ऐसा वेक्टर बताओ जो दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है, ऐसा वेक्टर बताओ जो दोनों लाइंस के डायरेक्शन वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ठीक है, डिटरमाइन वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ L1 एंड L2। ठीक है, इट इज इनफ। इनफ क्या, बहुत नहीं बोलते, बात ही एक सेम है, इनफ भी क्यों बोलूं मैं। इट इज इक्विवेलेंट टू फाइंडिंग वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन वेक्टर्स ऑफ बोथ द लाइंस। दैट इज फाइंड द वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर, और वो हमें वेक्टर अलजेब्रा से पता है कि वो क्रॉस होते हैं। दैट इज B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। कहाँ से किया, वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ा था कि क्रॉस प्रोडक्ट ऐसा वेक्टर है व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स इन्वॉल्वड, है ना। बट वी वांट यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर आपको चाहिए, वेक्टर आपके पास आ गया तो कोई बात नहीं, क्या कर दो, डिवाइड बाय B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर इज B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर अपॉन B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्रॉस नहीं, आपको कईयों को पता होगा जिन्होंने वेक्टर अलजेब्रा नहीं किया कि क्रॉस निकालते कैसे हैं, बता देती हूँ वो। अब जैसे इसी क्वेश्चन में बता दूंगी, या आप फॉर्मूला देखा ना, देखो मैं इधर लिख देती हूँ,
कहाँ से करूँ, ये ऊपर से लिख लिया ना आपने, ये ऊपर वाला भी लिख लिया, कर दूँ इरेज़। फॉर्मूला देख लो, जिसको नहीं पता फॉर्मूला क्रॉस प्रोडक्ट का, ये होता है सारा वेक्टर अलजेब्रा आपका यही हो जाएगा रिवाइज, जिसने नहीं किया। दो वेक्टर्स की क्रॉस कैसे निकालते हैं देखो, अगर एक वेक्टर आपके पास है बी वन आई कैप, और दूसरा ये बी वेक्टर ले लो, और एक ए वेक्टर, देन ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट होता है ये किसी चीज का, किस चीज का फिक्स होता है कि आपको फर्स्ट रो में यही लिखना है, फिक्स होता है कि सेकंड रो में वही लिखना है जो पहले आ रहा है, ए वेक्टर पहले आ रहा है तो इसके कंपोनेंट्स लिख दो, ए वन ए टू ए थ्री लिख दो, फिक्स होता है कि थर्ड रो में वही आएगा जो वेक्टर बाद में आ रहा है उसके कंपोनेंट्स। अब इसको सॉल्व कैसे करना है देखो, सॉल्व ऐसे करना है, यहाँ से स्टार्ट करो, आई कैप लिखो और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम और रो डिलीट मारो, जो बच जाएगा उसका डिटर्मिनेंट लिख लो, ए टू बी थ्री, ए टू बी थ्री माइनस बी टू ए थ्री। आगे आगे ना जे कैप प्लस जे कैप नहीं लिखना होता, जैसे जो मिडल वाला होता है इधर माइनस जे कैप लिखना होता, ठीक है। तो जब माइनस जे कैप लिखा तो ये चल रहा था आपका आई कैप जे कैप के कैप, ये चल रहा था ए वन ये बी वन, इसको भी हटाओ। अब क्या करना है, जे कैप जहां पड़ा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम डिलीट मारो, ये बचे चार, इसका डिटर्मिनेंट लिखो, ए वन बी थ्री माइनस बी वन ए थ्री, ए वन बी थ्री माइनस बी वन ए थ्री। आगे अब फिर प्लस के कैप, अब फिर क्या करो, के कैप के कॉरेस्पॉन्डिंग जो रो है और कॉलम है डिलीट करो, बाकी क्या बचा इसका डिटर्मिनेंट, ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू, ऐसे निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। और जब क्रॉस प्रोडक्ट निकल गया, वही जैसे क्वेश्चन में बी वन क्रॉस बी टू निकालना है, वो जो निकल गया तब जो भी आएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आ गया आंसर में, हमें यूनिट वेक्टर चाहिए तो इसको यूनिट वेक्टर बना सकते हैं ना, इसको पूरे को डिवाइड कर दो इसी के मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड मतलब 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, अब ये पक्का यूनिट वेक्टर है, क्लियर है, समझ आ गई। चलो यस आप जो ये जो क्वेश्चन छोड़ा है ना, फिर ये आप कंप्लीट कर लेना, कल पूछती हूँ आंसर इसका फिर, ठीक है। ये जो निकालना था ना यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस, लाइंस मैंने लिखी थी, उसका आंसर लिख लेना और कल बता देना मेरे को, ठीक है। यस चलो कल मिलते हैं फिर, बाय बाय।